ಏನೋ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು ಭಾಷಣ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಮಾತು ಮಾತಿಗೂ ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕುಟುಕುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಯುಪಿಎ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆದಕಿ ತಿರುಗೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಲ್ಲ ಇದು ದುರಹಂಕಾರದ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂತ ಮೋದಿ ಜರಿತರು ಈ ನಡುವೆ ಮಣಿಪುರ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಸಭಾತ್ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡಿದರು ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಸಭಾತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಮಣಿಪುರ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮೋದಿ ಮಾತನಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಗಲಭೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಇಡಿ ದೇಶ ಮಣಿಪುರದ ಜನರ ಜೊತೆಗಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸವಾಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ದಯಮಾಡಿ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು लंका हनुमान ने नहीं जलाई, लंका हनुमान ने नहीं जलाई, उनके घमंड ने जलाई। और ये बिल्कुल सच है, आप देखिए जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है, और इसलिए 400 से 40 हो गए। हनुमान ने लंका नहीं जलाई, घमंड ने जलाई, और इसलिए 440 हो गए, 400 से 40 हो गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, और बहस होते हुए लोग मुझे दिन रात कोसते रहते हैं, उनकी ये फितरत है, और उनके लिए तो सबसे प्रिय नारा क्या है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये इनकी पसंदीदा नारा है। लेकिन मेरे लिए इनकी ये गालियां, ये अपशब्द, ये अलोकतांत्रिक भाषा, मैं उसका भी टॉनिक बना देता हूं। दिन पहले बेंगलुरु में आपने मिलजुल कर करीब करीब 1.5-2 दशक पुराने यूपीए का क्रियाकर्म किया है, उसका अंतिम संस्कार किया है। लोकतांत्रिक व्यवहार के मुताबिक मुझे तभी आपको सहानुभूति जरूर व्यक्त करनी चाहिए थी, संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी, लेकिन देरी में मेरा कसूर नहीं है, देरी में मेरा कसूर नहीं है, क्योंकि आप खुद ही एक और यूपीए का क्रियाकर्म कर रहे थे और दूसरी ओर जश्न भी मना रहे थे। श्रीमान अमित शाह ने कल 2 घंटे तक विस्तार से और बड़े धैर्य से रति भर भी राजनीति के बिना सारे विषय को विस्तार से समझाया, सरकार की और देश की चिंता को प्रकट किया, और उसमें देश की जनता को जागरूक करने का भी प्रयास था, उसमें इस पूरे सदन की तरफ से एक विश्वास का संदेश मणिपुर को पहुंचाने का इरादा था, उसमें जन सामान्य को शिक्षित करने का भी प्रयास था, एक नेक ईमानदारी से देश की भलाई के लिए और मणिपुर की समस्या के लिए रास्ते खोजने का एक प्रयास था। लेकिन सिवाय राजनीति कुछ करना नहीं है, इसलिए इन्होंने यही खेल किए, यही स्थिति किया।